बड़वानी के कुक्षी बाईपास रोड स्थित एक निजी मैरिज गार्डन के पास एक तेज रफ्तार बस रोड से नीचे उतरकर पलट गई, जिसमें सवार लोगों को चोटें आई है। दरअसल खरगोन जिले के मजदूर मजदूरी करने के लिए गुजरात राज्य जा रही थी, इसी दौरान बड़वानी शहर से आगे निकलने पर यह हादसा घटित हुआ है। एक के बाद एक एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को बड़वानी जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। तुम कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मतलब खरगोन से कहाँ जा रहे थे? खरगोन से गुंडल जा रहा था। तो किराया कितना लिया तुमसे? 700 रुपये। 700 रुपये लिया था। हाँ, कहाँ के लिए जा रहे थे वहाँ पर? वहाँ जमीन का रेल तत्व श्रीपत्ती। हाँ, भाग मारो मुंबई चल छे। हाँ, तो भाग जनादिन करांगा, जनादिन वो कोई काफी कापस छे। हाँ, तो कापस हो जाएगा। हाँ, तो मारो हिसाब पूरा हो जाएगा। हाँ, मारा होगा 1.5 लाख 2 लाख आओ। हाँ, तो हिसाब किताब करने गए तो। हाँ, ये फोन आया था वहाँ से, गुजरात से। गुजरात से फोन आया था। हाँ, तो कौन लगाया था? तो मगन पटेल। हाँ, मगन पटेल लगाया था। हाँ, JDC। हाँ, तो वहीं पे काम करते हो तुम? वहीं काम करते थे। तो आज वो आज जा ही रहा था तो बस पलटी खाई गई। लाल सिंह। कहाँ रहते हो लाल सिंह? मैं भगवानपुरा से आगे अंबाई खड़ा है, वहाँ से। कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था गुजरात। गुजरात क्यों जा रहे थे लाल सिंह? काम पे जा रहे थे। मजदूरी कर? हाँ, मजदूरी करने। क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये गाड़ी बहुत स्पीड में थी बड़वानी से आगे, ये क्या गांव का नाम नहीं मालूम है वहाँ पे, वहाँ पे पलटी खा के गाड़ी। कितने लोग बैठे थे बस? हाँ, कम से कम 200 लगभग थे यार, गिनती तो अपन नहीं कर सकते, बाकी 200 लगभग थे। यहाँ बस कौन सी थी? डबल डेकर? हाँ, डबल मंजिल। कहाँ से बैठे थे बस? खरगोन से। अभी अलग अलग जिले के? हाँ, अलग अलग भाई, अपने अपने गांव से आते हैं लोग मजदूरी करने के लिए, तो खरगोन में इकट्ठे होकर बैठ जाते सब। बच्चे लोग भी थे? नहीं, बच्चे भी थे दूसरे के, सब के थे। कैसे क्या पलटी खाई थी? ये तो भगवान जाने, बाकी गाड़ी बहुत स्पीड में थी। ड्राइवर का? ड्राइवर तो कहाँ मालूम, पता नहीं, नशा पी के काम करता है। बहुत स्पीड में थी गाड़ी। कितने लोग घायल हुए? अभी देखो, अपने अपने परिवार को लेकर आए यार, अभी मालूम पड़े जब दवाखाने में आएंगे सब आ रहे हैं। हम खिड़की तोड़ के निकले। हाँ, कार तोड़ के निकले। क्या दुर्घटना हुई? एक वंश ट्रेवल्स की बस थी जो यहाँ पे बड़वानी के जलसा होटल के सामने जो 10-1 फीट का जो गड्ढा था उसमें नीचे उतर गई है, जो भी पलट जाने से उसमें 13 लोग घायल हुए हैं। 13 लोगों में 8 पुरुष है, 4 महिलाएं हैं और 1 बच्चा है, जिसमें कोई भी गंभीर रूप से अभी नहीं है ऐसा मरीज की जिसको इमीडिएट कहीं बेहतर इलाज की ज़रूरत हो, उसका यहीं सभी मरीजों का बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर घायल कोई है? नहीं है गंभीर घायल कोई नहीं। सर, कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? ये बस खरगोन से लगा के भगवानपुरा होकर गुजरात जा रही थी। सर, कितनी सवारी इसमें बैठे हुई? ये बता रहे हैं यात्रीगण कि ओवरलोडेड थी, पर अब एग्जैक्ट कितनी सवारी बैठी हुई थी ये बताना मुश्किल है। सर, लापरवाही किसी के सामने आई है? अभी तक ये पता चला है कि जो ड्राइवर था उसके लापरवाही के कारण ही बस उतरी है। अब आगे चल के जब विवेचना होगी तभी सही कारण पता चलेगा। सर, ये सभी कहाँ मजदूरी करने जा रहे थे? हाँ, गुजरात मजदूरी करने जा, ज़्यादातर जो यात्रीगण थे गुजरात मजदूरी करने जा रहे थे। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि जितनी भी बसें चल रही खरगोन और बड़वानी से, इनका किसी प्रकार का कोई परमिट नहीं है, तो इस दिशा में भी कोई कदम उठाया जाएगा? ये जो बस है इसका परमिट चेक किया जाएगा, यदि ये बिना परमिट पाई जाती है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके अलावा बड़वानी से भी काफ़ी बसें जो है प्रतिदिन गुजरात जा रही हैं मजदूरों को लेकर के, और उनके पास भी परमिट का अभाव है ऐसा बताया जा रहा है। ये RTO को भी बताया जाएगा, उनके साथ मिलकर चेकिंग भी की जाएगी। नाम से भाई था? अर्जुन नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? ये कड़वा पानी गांव के रहने वाले हैं, खरगोन जिले का। ये भगवानपुरा से थोड़ा आगे है। कहाँ जा रहे थे सब? हम गुजरात जा रहे थे, सब मजदूरी करने जा रहे थे सब लोग। अच्छा, जितने भी बस में थे ना वो सब काम पे ही जाते। अचानक वो स्पीड में गाड़ी थी और हमको लगा कि वो गड्ढा है, देख के गाड़ी पलटा, वो सीधी गाड़ी है ना गाँव में डाल दी, गाड़ी पलटी कर दी, वो डायरेक्ट अंदर उतार दी। हाँ, अंदर ही उतार दी नीचे।
डायरेक्ट से और दारू पियल था, नशा करल था, नशा करा हुआ था, नशा करा हुआ था। कितने सवारी बैठी थी गाड़ी में? ये 200 के आसपास की पकड़ के चला, गिनती तो नहीं मारी लेकिन उतने पकड़ के चला। अपन कहाँ के थे सब लोग? ये कोई अम्बा खेड़ा थे, कोई मतलब खरगोन जिले, सब खरगोन जिले के लोग हैं। खंडवा का भी बता रहा, कोई खंडवा का भी है ऐसा बोल रहा, खरगोन के भी, खरगोन के भी। बड़वानी से भी सवारी बैठी थी? नहीं नहीं, बड़वानी से तो नहीं बैठा यार, खरगोन से फिर चली तो कहीं रुकी नहीं? हाँ रुकी नहीं, नहीं नहीं कहीं सवारी नहीं बैठा, एक सवारी शायद ये जुलवाना में बैठाई थे। तो ये कहाँ ले जा रहे थे? गुजरात में? कहाँ? ये गुजरात में मैं तो जा रहा था, कोंडोड़ा में जा रहा था, पुतियाना थी थोड़ा आगे है, कोई कुरबंदर जा रहा था, कोई बगुदर जा रहे थे, सब गुजरात जा रहे थे, सब गुजरात जा रहे थे, कोई गुंडेल जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे काम पे। बस का नाम मालूम है? ये चामुंडाकर की गाड़ी के नाम है, चामुंडाकर। हाँ, ड्राइवर की गलती लग रही है? ड्राइवर की है ना, वो नशा करके चला रहा गाड़ी, तो उसकी गलती है। 200 सवारी कैसे बैठी थी बस में? एक सौ पे उन्हें आठ आठ नौ नौ दस दस भी बैठा देते, एक सीट पे, एक सीट पे। बस डबल डेकर थी? हाँ डबल की थी, ऊपर भी स्लीपर? हाँ ऊपर भी स्लीपर थी। ये कितनी रोज रोज कितनी गाड़ियाँ जाती है तुम्हारे यहाँ से? वहाँ से शायद गाड़ी एक गरीब पुत्रा करके नाम है, फिर एक ममता गाड़ी करके नाम है। तीन तीन गाड़ी? हाँ तीन गाड़ी, बस उतने के मालूम है मेरे को। गाड़ी रोज जाते हैं? तीन गाड़ी रोज जाती है यहाँ से, सब फुल मजदूर जाते हैं। बच्चे भी थे क्या गाड़ी में? बहुत छोटे छोटे बच्चे थे यार, किसी को लागे नहीं, लागे लेकिन थोड़ा थोड़ा लागे, ज्यादा तकलीफ नहीं, कोई मरीज ऐसे कुछ नहीं, नहीं नहीं किसी को भी नहीं हुआ। अभी कहाँ इलाज चल रहा तुम लोगों का? अभी ये अस्पताल कहाँ के है? बड़वानी में लाया हुआ है।